I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. की लेखनी अर्जुन के जीवन का एक नया अध्याय लिख रही थी। उलूपी और अर्जुन एक दूसरे की प्रेम गंगा में बहते जा रहे थे, परंतु कस्तूरी की सुगंध और प्रेमियों का प्रेम लाख छिपाने पर भी छिप नहीं सकता। विषवाहिनी को उलूपी के खोए खोए भावों और चांडक को उलूपी की बदली हुई बहकी चाल देखकर संदेह हो गया कि उलूपी के नयनों में नित दिन बढ़ने वाली भावुकता अवश्य ही किसी की प्रेम मदिरा का ही फल है। दोनों ने उलूपी पर कड़ी दृष्टि रखने का निर्णय ले लिया, किंतु उलूपी अर्जुन के प्रेम की राह पर इतनी दूर निकल चुकी थी कि अब उसके लिए अपने पग रोकना असंभव था। बेचारी धामन, अब तक वो सोच रही होगी कि मैं धरती में समा गई या आकाश में उड़ गई। वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रही थी? मुझे विश्वास है कि चांडक ने उसे मेरे पीछे लगाया होगा। उसे संदेह है कि कहीं मैंने तुम्हें छिपा रखा है। कहीं उसे यह संदेह तो नहीं
कि तुमने मुझे अपने मन की गहराइयों में छिपा रखा है। हो भी तो क्या, बात तो सच है। लूपी, ये मेरा अपना सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारे मन में स्थान मिला, और मैं ये भी जानता हूं कि सारे संसार में तुम्हारे प्रेम भरे हृदय से सुंदर और कोई स्थान नहीं। किंतु कभी कभी ये सोचता हूं कि ये सब काम करके मैं कोई बहुत उचित कार्य नहीं कर रहा हूं। क्यों लोपी? ये सत्य है कि मैं तुम्हारे प्रेम में डूब चुका हूं, किंतु नागलोक आने का मेरा उद्देश्य कुछ और था। मुझे यहां आके तुम्हारे प्रेम जैसी अमूल वस्तु अवश्य मिली, परंतु नागलोक में मैं तो मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित करने आया था। तो तुम और क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे हो। इस मित्रता और सद्भावना का आरंभ कहीं से तो होना ही था। और यदि इसका आरंभ हम दोनों के प्रेम से हुआ है तो इसमें अनुचित क्या है? उलूपी, यहां रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपराधी का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। हर पल हर समय यही भय लगा रहता है कि कोई मुझे देख ना ले, ये जान ना ले कि अर्जुन यहां छिपा हुआ है। मेरा दम घुटने लगता है उलूपी। मैं एक निर्भीक और स्वच्छ स्वतंत्र प्राणी हूं, डरना और छिपना मेरा स्वभाव नहीं है उलूपी। जब तक समय आ न जाए तब तक किया भी क्या जा सकता है? और वो समय कब आएगा उलूपी? बस कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। कैसे करोगी उलूपी, कैसे करोगी? तुमने तो कहा था कि नागलोक का बच्चा बच्चा मेरा शत्रु है, फिर ये कार्य तुम अकेले कैसे करोगी? कैसे विश्वास दिलाओगी उनको कि मैं उनका मित्र हूं शत्रु नहीं? उलूपी, तुम मुझे राजमाता और महाराज वासुकी से क्यों नहीं मिलाती हो? नहीं नहीं, कभी ऐसा सोचना भी मत। क्यों, मुझ में उनका सामना करने का साहस है उलूपी? सामना ही नहीं, मैं उन्हें यह विश्वास भी दिला दूंगा कि मैं यहां मित्रता और सद्भावना का संदेश लेकर आया हूं। नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ भी मत करना। मेरी एक विनती मान लो, महामास्य की रात्रि तक ऐसा कुछ भी मत करना। मैं तुम्हें वचन देती हूं, उस रात सारा नागलोक तुम्हारा मित्र बन जाएगा। किंतु किंतु अर्जुन, अब यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहा। अब मैं तुम्हें अधिक समय तक यहां छिपाकर नहीं रख सकती। मुझे तुम्हें नागलोक के बाहर लेकर जाना ही होगा। परंतु कहां लोपी? पृथ्वी लोक के किसी स्थान पर। चलो मेरे साथ। लोपी, मैं तुम्हारा आभारी हूं लोपी। मैं तो कब से अपनी धरती माता की गोद में जाने के लिए तरस रहा था। से मिले बिना मुझे चैन कहां आएगा? चलो, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर छिपाऊंगी जहां मेरे अतिरिक्त किसी को भी तुम्हारी उपस्थिति का ज्ञान नहीं होगा। किंतु न जाने उसे धरती ने निगल लिया या आकाश ने खा लिया। कहीं उसका पीछा करने में तुमने चूक तो नहीं की? मैं तो छाया के भांति उसके पीछे लगी थी, पर वो एक मोड़ पर मुड़ी
और अचानक लुप्त हो गई। मैं भी उसी मार्ग पर चली जिस पर वो मुड़ी थी, पर वो मार्ग तो वापस तुम्हारी कक्ष पर आता है। अवश्य ही उसने तुम्हें भटका दिया, केवल तुम्हें दिखाने के लिए वो इधर मुड़ी होगी और तुम्हारे आगे निकलते ही वो उधर चली गई होगी जहां उसे जाना था। और कौन जाने इस समय वो अपने प्रेमी अर्जुन की बाहों में जकड़ी हुई उस पर अपना प्यार लुटा रही होगी। दामन, छल्ला क्यों रहे हो? तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते कि वो तुमसे प्रेम नहीं करती, अर्जुन से प्रेम करती है, और वो अर्जुन के प्रेम के लिए हर संकट से खेल रही है। तो मैं अर्जुन को भी समाप्त कर दूंगा, रूलुपी के प्रेम को भी। तुम अर्जुन को कदाचित समाप्त कर भी सकते हो, पर उलूपी के प्रेम को समाप्त करना तुम्हारे वश की बात नहीं। चांडा, नारी जिसको हृदय देती है दे देती है, फिर उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अब मुझे ही देख लो, मैंने तुम्हें अपने हृदय में बसा लिया है। तुम मुझे कठोरता दिखलाते रहे पर मैं हृदय से नहीं जा सके। धामन, तू मुझे जला क्यों रही है? धामन, स्वयं भी तो जल रही हूं। छोड़िए बातें और मुझे वो मार्ग दिखला जहां से उलूपी लुप्त हुई थी। चलो। बस ये पहुंचकर उलूपी लुप्त हो गई थी। धमन, तेरा श्रम व्यर्थ नहीं गया, बात मेरी समझ में आ गई है। मैं तुझे इसका पुरस्कार अवश्य दूंगा। मेरे लिए तो सबसे बड़ा पुरस्कार ये है कि तू मुझे मिल जाए। पुरस्कार कार्य की उपयोगिता देखकर दिया जाता है धामन, और आज तूने जो कार्य किया है उसका पुरस्कार यह होगा। यदि उलूपी से मेरा विवाह हो गया तो मैं तुझे उसकी प्रधान दासी बनाकर अपने पास रखूंगा। चांडा, तेरे सर से उलूपी के प्यार का भूत नहीं उतरेगा। तू जानता है कि वो अर्जुन से प्रेम करती है, तू उसका प्यार कभी नहीं जीत पाएगा। उसका प्यार नहीं पाऊं तो क्या, उसे तो पा सकता हूं, और जब उसे पालूंगा तो वो विवश हो जाएगी मुझसे प्यार करने पर। तमन, आज तूने मुझे अर्जुन के अंत का मार्ग दिखला दिया है। आज तूने मुझे अर्जुन के अंत का मार्ग दिखला दिया है। जब तक उलूपी जीवित है तू मेरा कभी नहीं हो सकेगा। तुझे पाना है तो उलूपी को सदा के लिए अपने मार्ग से हटाना पड़ेगा, और ये मैं अवश्य करूंगी चांडक, अवश्य करूंगी। तू उलूपी का कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं।
था मैं। पर तू मेरे प्राण क्यों लेना चाहती है? इसलिए कि तुम्हारे प्राण लिए बिना मैं अपना प्यार नहीं पा सकती। तेरा प्यार? ये तो क्या कह रही धमन? हाँ, मैं चांडक से प्यार करती हूं और चांडक तुमसे प्यार करता है। जब तक तुम जीवित रहोगी मैं उसे कभी नहीं पा सकूंगी। मूर्ख, बस इतनी सी बात और तू मेरे प्राण लेने पर तुल गया। मुझसे पूछ तो लिया होता, क्या कभी मैं तुम्हारे और चांडक के बीच में आ सकती हूं? देख धामन, प्यार के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक दिशा का प्रेम प्रेम नहीं होता। ये तो मैं नहीं जानती कि चांडक मेरे विषय में क्या सोचता है, किंतु मैं अपने बारे में तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, चांडक में मेरी कोई रुचि नहीं। और तूने अपनी मूर्खता में इतना बड़ा अपराध कर लिया जिसके लिए तुझे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। पर मैं एक नारी हूं, तुम्हारा दर्द समझती हूं, और तुमने कहा तुम चांडक से प्रेम करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। मुझे चांडक के प्रेम ने अंधा कर दिया था। प्रेम सबको अंधा बना देता है धामन, मेरा विश्वास करो। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि चांडक तुझे स्वीकार कर लेता है तो। मैं तो कहती हूं तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर वो सारा जीवन अपने भाग्य पे गर्व करेगा। और यदि तुझे कभी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो तू मुझे अपने साथ पाओगी। उलूपी, तुम पीछे से भाग जाओ। यदि राजमाता ने तुम्हें यहां देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। भाग जाओ। पुत्री उलूपी, तू अभी तक सोई नहीं? हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कुछ नहीं माताश्री, मैं सोई हुई थी। सोते में किसी ने आक्रमण किया और जब मैंने सामना करना चाहा तो आक्रमणकारी भाग गया। हो ना हो, वो अर्जुन ही होगा। मैं तो पहले ही भयभीत थी कि वो दुष्ट अपनी दुष्टता अवश्य दिखाएगा। नहीं, वो अर्जुन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि सारा संसार जानता है अर्जुन एक वीर पुरुष है। वो किसी सोते हुए व्यक्ति पर आक्रमण नहीं कर सकता, वो भी एक नारी पर। यह संभव है जिसने सारे नागवंशों की विशाल सेना का सामना किया और उन्हें परास्त भी किया, जिसके पास अग्निदेव का वरदान गांडीव हो। वो इतना कायर नहीं हो सकता कि किसी सोते हुए नारी पर आक्रमण करे और अपने महान चरित्र पर कलंक लगा ले। तू अर्जुन की इतनी प्रशंसा क्यों कर रही है? मैं प्रशंसा नहीं कर रही हूं मां, मैं तो केवल केवल सत्य कह रही हूं। सत्य तो यह है कि उसने हम नागवंशियों का क्षेत्र छीन लिया और हमारे सैकड़ों युवकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। मां, यह केवल एक पक्ष का विचार है, यह हमारा विचार है। हमने दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का अवसर ही कहां दिया? हम वही जानते जो हमें बताया गया है और हमें बताने वाले लोग हमारे अपने लोग हैं। मां, यदि हमने अर्जुन के पक्ष की बात सुने बिना कोई भी निर्णय लिया तो वो निर्णय न्याय के अनुकूल नहीं होगा। मां, तू कहीं अर्जुन का पक्षपात तो नहीं कर रही? मैं पक्षपात तो नहीं कर रही हूं मां, मैं वही कह रही हूं जो कुछ दिनों से मेरे मन में उथल पुथल मचाए हुए हैं। मां,
हमने जो पांडवों के बारे में मत बना रखा है कहीं वो अधूरा सत्य तो नहीं? उलूपी, तू नाग कन्या है और नागवंशियों का साथ देना तेरा धर्म है। तुझे अधिकार नहीं कि नागवंशियों की किसी भी बात को झूठा सिद्ध करने का प्रयत्न करे। मैं नाग कन्या अवश्य हूं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं सत्य से नाता तोड़ लूं। माताश्री, सत्य की तह में उतरना और सत्य जानना ये मेरा अधिकार है। मुझे लगता है कि चांडक ठीक कहता था, यदि अर्जुन नागलोक में नहीं है तो उसका सहयोगी मित्र अवश्य ही यहां है। तुम्हारी बातों से विश्वासघात की दुर्गंध आती है उलूपी। यदि हमें जरा भी पता लगा कि तुमने शत्रुओं के साथ जरा भी सहानुभूति रखी है तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे प्राण ले लूंगी। और जब तक महा अमावस्या की रात्रि नहीं आती तुम इस कक्ष से बाहर पांव नहीं धरोगी। मां, राजकुमारी उलूपी के कक्ष के बाहर पहरा लगा दिया जाए। राजकुमारी के कक्ष में कोई भी भीतर या बाहर ना आने पाए। राजकुमारी पर किसी ने आक्रमण करने का दुस्साहस किया है और जब राजभवन ही असुरक्षित है तो राज्य की सुरक्षा क्या? मां, ऐसा ना करो। आज्ञा का पालन किया जाए। जो आज्ञा महारानी। मां, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मां, मां, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। लूपी, क्या बात है लूपी? अर्जुन, मुझे यहां से कहीं बाहर ले चलो, मुझे नागलोक से कहीं बाहर ले चलो। क्या बात है लूपी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? राजमाता को संदेह हो गया कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ। उन्होंने उन्होंने मेरे बाहर जाने पर रोक लगा दी है। मैं बड़ी कठिनाई से पहरा तोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे नागलोक से बाहर ले चलो। लूपी, क्या तुम चाहती हो कि संसार मुझ पर दोष लगाए कि मैंने नागलोक की राजकुमारी का अपहरण किया है? पहले से ही नागवंशी मुझसे रूठे हुए हैं, क्या तुम चाहती हो मुझसे घृणा करने लगे? और फिर राजमाता का संदेह झूठा तो नहीं, काल्पनिक तो नहीं है ना? क्या यह सत्य नहीं कि तुमने ही मुझे छिपाया था? क्या यह सत्य नहीं कि तुम ही ने मुझे बचाने का प्रयत्न किया था? लोपी, इस सत्य को हम तुम झुटला कैसे सकते हैं? पर मैं क्या करती, मैं क्या करती अर्जुन? मैं तुम्हारे प्रेम में विवश थी। प्रेम में विवश नहीं उलूपी, प्रेम व्यक्ति को दुर्बल नहीं बनाता। प्रेम तो स्वयं एक शक्ति है। और सच पूछो तो तुम्हारा प्रेम पाकर ही मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि मैं सारे नागलोक को अपना मित्र बना सकता हूं। अब भी समय है उलूपी, मुझे राजमाता और महाराज से मिला दो। पर वो तुम्हारी मित्रता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो देखते ही तुम्हारा वध कर देंगे। उलूपी, यदि मेरे भाग्य में इस तरह की मृत्यु लिखी है तो उसे कौन रोक सकता है? उसे तो स्वयं तुम्हारा प्रेम भी नहीं रोक सकता। यदि वो मेरा वध करना चाहते हैं तो करने दीजिए, परंतु मरने से पहले मैं उन्हें इस बात का विश्वास अवश्य दिला दूंगा कि मैं उनका शत्रु नहीं, मित्र हूं। और जिस महान उद्देश्य के लिए मैं यहां आया हूं, यदि उसके लिए मेरे प्राण भी चले जाएं, तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। उलूपी, उलूपी, तो मेरा संदेह सच निकला। तू झूठी है उलूपी, तू सदैव ही मुझसे झूठ बोलती रही, पर आज तेरा झूठ तेरे माथे का कलंक बनकर चमक रहा है। हाँ, मैंने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला था? क्योंकि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। निर्लज्ज, नाग वंशियों के हत्यारे से प्यार करती है तू? हमारे वंश के शत्रु से प्यार करती है तू? ये प्यार नहीं, देशद्रोह है। ये अपनी जाति से विश्वासघात है। ये घोर अपराध है।
इस अपराध का दंड जानती है तू? जानती हूँ, मृत्यु दंड है, किंतु अपने प्यार के लिए मरने को तैयार हूँ मैं। जब तक मेरे तन में सांस है, तुम अर्जुन को छू भी नहीं सकते। तुम्हारे और अपने प्रेम के बीच में मैं अपना शव बिछा दूंगी, जिसे पार किए बिना तुम अर्जुन के पास भी नहीं आ सकते। मूर्ख है तू अर्जुन, ये तो नारी है, ये वो नारी है जो मूर्ख और मंद बुद्धि होती हैं। परंतु तू तो पुरुष है, बड़ी गाथाएं सुनी थी तेरी तथाकथित वीरता की, पर तू एक नारी के आंचल के पीछे क्यों छुपा हुआ है? तू क्या समझता है इसका आंचल वो दीवार है जिसे मेरा खड़ग काट नहीं सकता? अभी इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि इस आंचल का आसरा तेरे लिए बहुत घटिया है। कर एक कोमल नारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, क्या यही तेरी सभ्यता है? हत्यारों और उनके सहयोगियों के साथ सभ्यता नहीं दिखाई जाती, उन्हें तो दंड दिया जाता है और उलूपी को भी दंड मिलेगा। किंतु पहले तू अपनी चिंता कर। रुक जा चांडक, यही वो हत्यारा है महाराज जिसने खांडवन को रक्त से रंग दिया था। आज इसके जीवन का अंत हो जाएगा और इसके वध के उपरांत हमें खांडवन लेने से कोई रोक नहीं पाएगा महाराज। मैं भी यही चाहता हूं, किंतु जो लोग अपने लक्ष्य पाने के लिए सिद्धांतों और आदर्शों का गला घोट देते हैं वो भी कम अपराधी नहीं होते। छल से प्राप्त सफलता सफलता नहीं होती, कोरी कायरता होती है। ये लो मेरा खड़ग। अब हम नागवंशियों पर कोई ये दोष नहीं लगा सकता कि हमने अर्जुन का वध उस समय किया जब उसके हाथों में एक भी शस्त्र नहीं था। नहीं महाराज, मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं, मेरा तो उद्देश्य कुछ और है। हमें उस उद्देश्य में कोई रुचि नहीं जिसके लिए कोई किसी की सीमाओं में चोरी छिपे प्रवेश करता है, चोरी छिपे रहता है और सबसे मुख छिपाए रखता है। आक्रमण करो चांडक, और अब यह लड़ाई उस समय तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक कि तुम दोनों में से किसी एक का वध नहीं हो जाता। Yeah!
नहीं अर्जुन, तो इंद्रप्रस्थ और नागलोक में मित्रता स्थापित करने के लिए आया था। तेरा उद्देश्य मित्र बनाना है, किसी का वध करना नहीं। मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूं। चांडक, तुम केवल दुर्बल ही नहीं कायर भी हो। पराजित होने की लज्जा मिटाना चाहते हो? अर्जुन ने तुम्हें जीवित छोड़ दिया और तुम इसका यह बदला दे रहे हो? तुम विजयी हो, तुम्हें आत्मसमर्पण करने की क्या आवश्यकता है? महाराज, मैं आपके राज्य में युद्ध करने और विजयी होने के उद्देश्य से नहीं आया था। तो फिर चोरी छिपे क्यों आए थे? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं महाराज, अवश्य दे सकता हूं, परंतु किसी की सहनशीलता, किसी की ममता, किसी की सहानुभूति और किसी की मित्रता का अनादर होगा। इसलिए मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप उसे प्रश्न ना पूछें। अच्छा, क्या यह प्रश्न भी ना करूं कि यदि यह उद्देश्य नहीं था तो फिर खांडव वन पर आक्रमण क्यों किया था? आक्रमण? कदाचित महाराज को किसी ने सूचित नहीं किया कि नागवंशों की विशाल सेना के समक्ष हम केवल दो व्यक्ति खड़े थे, केशव और मैं। और महाराज, दो व्यक्ति एक सेना पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। और यदि वो फिर भी युद्ध कर रहे थे तो सारा संसार इस बात को समझ सकता है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। तो फिर क्या उद्देश्य था तुम्हारा? मेरा तो केवल एक ही उद्देश्य था महाराज, कि मैं आपका मित्र बनूं और पांडवों को आपका मित्र बना दूं। हम नहीं मानते इसे, ये सब झूठ है। ये सत्य है महाराज वासुकी, परंतु इस सत्य को केवल विवेक नेत्र ही देख सकते हैं। तनिक सोचिए महाराज कि भाग्य ने हम पांडवों और आप नागवंशियों को ऐसे बंधन में बांध दिया है कि जिसे हम लाख प्रयत्न करें तो भी उस बंधन को नहीं तोड़ सकते हैं। भाग्य ने हमें इस धरती के एक ही अंश का वासी बनाया है महाराज। हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान एक दूसरे का भागीदार बन गया है। हम पांडव चाहे भी तो नागवंशियों को समाप्त नहीं कर सकते, और यदि नागवंशी चाहे भी तो हम पांडवों को इस धरती से मिटा नहीं सकते। जब एक ही स्थान पर रहकर हमारा जीना मरना भाग्य बन गया है तो कब तक महाराज, कब तक हम लोग एक दूसरे के शत्रु बने रहेंगे? कब तक एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने के लिए युद्ध करते रहेंगे महाराज? महाराज, कभी ना कभी कोई ना कोई हमारी पीढ़ी ऐसी अवश्य आएगी जो इस व्यर्थ शत्रुता और लगातार युद्ध से उब जाएगी। उसे भी सत्य का सामना करना पड़ेगा कि युद्ध शत्रुता की समस्या का समाधान नहीं है। वो भी ऊब कर विवश होकर मित्रता की ओर हाथ बढ़ाएगी। तो जब यह कार्य किसी ना किसी पीढ़ी को करना है तो यह कार्य हमारी पीढ़ी क्यों ना करे महाराज? आइए महाराज, हम अपनी शत्रुता को भूलकर मित्रता की भाषा बोलने लगे। आइए महाराज। महाराज, यह अपनी भोली भाली बातों से हमें बहकाना चाहता है। चंडक, यदि मैं बहकाना चाहता तो मैं तुम्हें जीवित क्यों छोड़ता? तुम्हारा जीवन मेरी ओर से समस्त नाग लोगों को मित्रता का उपहार है। अरे हम तेरी बातों से बहकने वाले नहीं है। नहीं, यदि अर्जुन ने जो कहा उसमें तनिक भी सत्य है तो इस पर विचार न करना, अपने धर्म से मुख मोड़ना होगा। हमें उन बातों पर विचार करना होगा, किंतु बातें और विचार गर्मा गर्मी के वातावरण में नहीं होते। विचार के लिए शांति और ठहराव आवश्यक है। जब तक हम इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लेते तब तक पांडुपुत्र अर्जुन हमारे अतिथि बनकर रहेंगे। उन्हें अतिथिशाला में ठहराया जाए। आओ पुत्री उलूपी। युद्ध समस्या है स्वयं, युद्ध नाश का द्वार, उत्तर केवल शांति है।
कर करें विचार, मिलकर करें विचार। अर्जुन, राजमाता, आप यहां, आपके दर्शन हो गए, यह मेरा सौभाग्य है। प्रणाम राजमाता। परंतु अचानक आपको यहां देखकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ है। मैं तुम्हें बधाई देने आई हूं। बधाई? किस बात की बधाई देने आई हैं आप मुझे? सारे नागलोक में आज ये चर्चा है कि तुम बहुत वीर हो। चांडक जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को तुमने पराजित कर दिया और तुम बहुत दयालु भी हो। उसे परास्त करने के उपरांत तुमने उसे जीवित भी छोड़ दिया। राजमाता, नागलोक और नागवंशियों ने मेरी सद्भावना को स्वीकार कर लिया, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। परंतु हमें इसकी तनिक भी प्रसन्नता नहीं। को प्रसन्नता नहीं है राजमाता? परंतु क्यों? इसलिए कि हम ये जानते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया और क्यों किया। मैं कुछ समझा नहीं राजमाता। क्या ये सत्य नहीं कि तुम कई दिनों से नागलोक में छिपे हुए थे? ये सत्य है राजमाता। और क्या ये सत्य नहीं कि राजकुमारी उलूपी ने तुम्हें यहां शरण दी, उसी ने तुम्हें छिपा कर रखा और वही नागवंशियों के आक्रोश से तुम्हें बचाती रही? ये भी सत्य है। तो फिर ये भी सत्य है कि ये सब कुछ उसने इसलिए किया कि तुमने बड़ी चतुरता से उसे अपने प्रेम जाल में फांस लिया था। ये सत्य नहीं है राजमाता। राजकुमारी उलूपी से मेरी भेंट अचानक हुई थी। हां, मैं ये स्वीकार करता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को देखकर पहली दृष्टि में मन हार बैठे थे। परंतु उस समय हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे। राजकुमारी उलूपी यह नहीं जानती थी कि उसे टकराने वाला पांडव पुत्र अर्जुन है, और मैं भी ये नहीं जानता था कि मेरे हृदय की गहराइयों में उतर जाने वाली सुंदरी राजकुमारी उलूपी है। कदाचित यह सब भाग्य का खेल था राजमाता। विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए कि इसमें हम दोनों में से किसी का भी दोष नहीं है। सब कुछ अचानक हो गया, और फिर मैं तो नागलोक इसी उद्देश्य से आया था कि नागवंशियों और पांडवों में मित्रता हो जाए। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुमने राजकुमारी के भोलेपन का सहारा लिया। तुमने सोचा कि यदि राजकुमारी मेरे जाल में फंस जाए तो नागलोक मेरा मित्र अवश्य बन जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं राजमाता कि यह मेरा उद्देश्य नहीं था। कौन मानेगा कि तुम्हारा यह उद्देश्य नहीं था? किस किस का मुंह बंद करोगे? कल सारा संसार यह कहेगा कि अर्जुन ने नागलोक की मित्रता के लिए एक भोली भाली कन्या के कंधों का सहारा लिया। तुम जैसे शूरवीर के लिए क्या यह आरोप शोभा देगा? आप चाहती क्या हैं राजमाता? तुम जानते हो राजकुमारी उलूपी नाग कन्या है। मैं चाहती हूं वो नागवंशियों के साथ रहे। मैं नहीं चाहती कि वो नागवंशियों से नाता तोड़ दे। यदि तुम चाहो तो ये हो सकता है। तो राजमाता, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अभी अभी तुमने कहा कि तुम नागवंशियों से मित्रता चाहते हो। हां, ये सत्य है। और सच पूछे तो यही सत्य है। बस, तो राजकुमारी उलूपी से नाता तोड़ दो। राजमाता, क्या तुम इतने महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए
इतना छोटा सा बलिदान भी नहीं कर सकते? मानव लोक में तुम्हें कई राजकुमारियां मिल जाएंगी, किंतु नाग लोक में एक ही राजकुमारी है। क्या तुम उसे भी छीन लेना चाहते हो? राजमाता, मैं नागलोक में मित्रता स्थापित करने आया था, और यदि इस मित्रता को बचाने के लिए मुझे अपने प्राण भी दांव पे लगाने पड़े तो मुझे दुख नहीं होगा। मुझे तुम्हारे प्राणों का बलिदान नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारे प्रेम का बलिदान चाहिए। कल महाराज वासुकी तुम्हें नागरिक सम्मान देंगे, और राजसभा में नागवंशियों और पांडवों के बीच शांति मैत्री संबंध की घोषणा की जाएगी। क्या तुम्हारा यही उद्देश्य नहीं था? यही था। तो फिर मुझे वचन दो, इस सम्मान को प्राप्त करने और इस घोषणा को सुनने के पश्चात तुम नागलोक छोड़कर चले जाओगे अकेले, और फिर कभी वापस ना लौटने के लिए। यदि आपकी यही इच्छा है राजमाता, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। कठिन डगर है प्रेम की, कांटों से भरपूर, पल में कर दे जो सभी सपने चकनाचूर। सीख हम भी